ईडी की टीम आज पटना से दिल्ली तक बिल्कुल एक्शन मोड में दिख रही है और पटना में जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी दफ्तर में लालू प्रसाद से पूछताछ जारी है। लालू प्रसाद से चार घंटे से ईडी पूछताछ कर रही है और सूत्र बता रहे हैं कि ईडी की टीम करीब 50 सवालों के जवाब लालू प्रसाद से लेगी। और आज ईडी दफ्तर जब लालू प्रसाद पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। ईडी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और वहीं लालू प्रसाद से ईडी की पूछताछ के बाद बिहार की सियासत भी सुलग चुकी है। तो लैंड फॉर जॉब घोटाले में कौन कौन है, किन्हें आरोपी बनाया गया, तो लालू फैमिली से लालू प्रसाद खुद हैं, तेजस्वी यादव हैं, राबड़ी देवी हैं, मीसा भारती हैं और हेमा यादव हैं। और ईडी बारी बारी से इन लोगों से पूछताछ करेगी। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि 50 सवाल जो हैं वो लालू के समक्ष रखे गए हैं कि इन 50 सवालों का आप उत्तर दें। चार घंटे बीत चुके हैं और कितने घंटे लगेंगे ये देखना होगा। और पल पल की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं। और लैंड फॉर जॉब घोटाले में कौन कौन आरोपी बनाए गए हैं, चलिए अभी जो खबर आ रही है एक और अपडेट हम आपको बताएं कि 50 सवालों का जिक्र तो किया जा रहा है कि लालू प्रसाद के सामने रखा गया है, लेकिन 40 सवाल पूछ लिए गए हैं, यानी 10 सवाल अभी और बचे हैं। तो मान के चलिए कि 10 सवालों का प्रश्न और उत्तर देते देते थोड़ा वक्त जरूर लगेगा और हमने इसीलिए कहा कि स्क्रीन पर आप बने रहिए। और जो लालू फैमिली से जो जो आरोपी बनाए गए हैं उनमें लालू प्रसाद हैं, राबड़ी देवी हैं, मीसा भारती हैं, तेजस्वी यादव हैं और हेमा हैं। तो पूरी तरह से कुल 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। लैंड फॉर जॉब मामला क्या है ये भी आप देख पा रहे हैं। लालू प्रसाद के परिवार समेत अन्य लोगों पर आरोप है, अभ्यर्थियों से जमीन लेकर नौकरी देने का आरोप है। तो इस मामले में पूछताछ हो रही है और लालू परिवार के खिलाफ जमीन रजिस्ट्री का आरोप है। अच्छा, इसमें कोई नई बात नहीं है। जब उनको लगता है, जब वो उनको लगता है कि अब बस भेज दो उनके परिवार को, लालू जी को उनको भेज दो समन, तो वो भेज देते हैं। और सिर्फ हमारा ही परिवार नहीं, अब तो आप देश में देख रहे होंगे जितने भी उनको लगता है कि ये विपक्ष में है तो उनके साथ आ नहीं रहे हैं। उनको ये समन भेज दिया जाता है, उनको ये ग्रीटिंग कार्ड भेज दिया जाता है। और हमारा परिवार, खास करके हमारा परिवार जब भी कोई भी एजेंसी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, जब भी बुलाती है हम लोग वहां जाते हैं और उनके प्रश्नों का पूरी तरह से सहयोग करते हैं और उनको जवाब देते हैं। जहां जहां ईडी ने कार्रवाई की, लोग जेल में गए कि नहीं गए? आप लूटेंगे तो जेल जाएंगे, तो आप लूटेंगे भी और चाहेंगे कार्रवाई नहीं हो। तो नरेंद्र मोदी की सरकार तो ईमानदारी में बहुत कड़ी है ना, जानते हैं आप ना। तो ईडी किस मामले में सवाल करेगी या करती, इसका जवाब नहीं है, सिर्फ प्रताड़ित की बात करती है। आपने नौकरी के बदले जमीन ली क्या, जवाब इसका देना है ना, इसका जवाब नहीं देंगे। अपने समाज के लोगों से भी जमीन ली तो जवाब इसका देना पड़ेगा, इसका जवाब तो नहीं है, तो ईडी सवाल तो पूछेगी ना। केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार ने जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग सारे देश के विपक्ष के नेताओं के साथ किया है, ये सबको पता है, सर्वविदित है। तो लड़ाई जांच एजेंसियों से नहीं, भाजपाइयों से है और हम हर एक चीज का जवाब देंगे। जो विरोधी राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे भाजपाई, तो वो भेज दे रहे आईटी, ईडी, सीबीआई। कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से? चप्पा चप्पा गूंज रहा है तेजस्वी यादव जी के, लालू प्रसाद जी के नारों से और कामों से। और अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, कुल 40 प्रश्नों का जवाब देना है, क्या खबर है? पूरे उत्तर दिए जा रहे हैं लालू प्रसाद की तरफ से, क्या हाना में जवाब मिल रहा है, क्या खबर है भीतर खाने से? देखिए, भीतर खाने से जो विवेक जानकारी मिली है कि लगभग 50 से अधिक सवाल की फहरिस्त जो है वो लेकर के ईडी के अधिकारी आए थे दिल्ली से और यहाँ पे पूछताछ करने के लिए जो कार्रवाई है वो तकरीबन 11:20 पे शुरू हुई और उस समय से लगातार जो है ईडी के अधिकारियों के द्वारा जो है वो सवाल जवाब किए जा रहे हैं। लगभग 40 क्वेश्चन जो है उनको लिया गया है लालू प्रसाद से और जो सवाल पूछे गए हैं उनमें एक सवाल ये भी है कि आप लाइन फॉर जॉब मामला जो है इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया। दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे सोर्सेज अंदर से जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक ये भी पूछा है ईडी के अधिकारियों ने दिल्ली से आई हुई जो टीम है कि हृदय नारायण जो है वो आपके संपर्क में कैसे आया, अन्य जो 12 लोग हैं दानापुर प्रखंड के वो कैसे संपर्क में आए
तो कुल मिलाकर जो भी सवाल जवाब हो रहे हैं उसका अत्यधिक जो सवालों का जवाब जो है वो लालू प्रसाद यादव जो है वो अमित आपके आपके पीछे श्याम रजक आलोक मेहता अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी के लीडर्स दिख रहे हैं और क्या मंथन क्या चल रहा है यहाँ पर बैठकर इस ठंड में। देखिए यहाँ पे सभी लोग जो हैं वो लालू प्रसाद यादव जब आए यहाँ तो एक एक करके तमाम लोग आए हैं जिसमें से आप देखते देख सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण हैं यादव हैं, उसके अलावा सुदय यादव हैं, उसके अलावा श्याम रजक हैं, आलोक मेहता हैं, तमाम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे। कांति सिंह हैं, लालू के बेहद करीबी माने जाने वाले अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, मृत्युंजय तिवारी हैं, सभी लोग जो है वो यहाँ पहुँचे और यहाँ आकर के बैठे हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि हमारे नेता जब ईडी कार्यालय में हैं उनसे पूछताछ की जा रही है तो हम लोग उनके कह सकते हैं कि समर्थन में यहाँ आए हैं और यहाँ तब तक रहेंगे जब तक पूछताछ पूरी नहीं हो जाएगी। हमारे नेता जब यहाँ से निकलेंगे तो ये तमाम लोग जो हैं वो बाहर जाने की बात कर रहे हैं। आपको ये भी बताते चले विवेक दर्शकों को कि मीसा भारती भी यहाँ पे आई हुई हैं, हालांकि वो इस भीड़ में अभी नज़र नहीं आ रही हैं लेकिन थोड़ी देर में वो भी वापस यहाँ नजर आएंगी। कुछ निजी कामों के चलते वो यहाँ से बाहर गई हैं। तो कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती से लेकर के उनके पुराने साथी अब्दुल बारी सिद्दीकी, उनके अलावा जयप्रकाश नारायण यादव जो पूर्व मंत्री रहे हैं उनके साथ, लालू प्रसाद यादव के साथ तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे बैठे हैं और इंतजार है कि कब ये पूछताछ की घड़ी समाप्त होती है। अमित आप नजर बनाकर रखिए, मीसा भारती आती हैं क्योंकि ये बहुत जानना जरूरी है क्योंकि ये पहली बार हम देख पा रहे हैं कि लालू प्रसाद से जब पूछताछ हो रही है तो इतनी बड़ी जो उनकी सेना है यहाँ पर बैठी उनका इंतजार कर रही है। इधर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, अयोध्या जाकर पगड़ी उतारूंगा। देखिए पगड़ी पर कई सवाल पूछे गए और अब जाकर उनका बयान आया है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कि अयोध्या जाकर पगड़ी उतारूंगा, अयोध्या जाकर मुंडन कराएंगे, बीजेपी का सिपाही हूं। तीन बातें उन्होंने कही। पहली बात उन्होंने कही कि अयोध्या जाकर पगड़ी उतारूंगा, दूसरी बात कही कि अयोध्या जाकर मुंडन कराएंगे और बीजेपी का सिपाही हूं मैं। ये सम्राट चौधरी का बयान है। इसके सम्मान में यदि हमको अयोध्या जाकर अपना सर मुड़वाना पड़े तो मैं मुड़वाने के लिए भी तैयार हूं। बात जानी, ये भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं मैं। और पटना से बड़ी खबर है, नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और चार एजेंडों पर मुहर लगी है। संसदीय कार्य से दो एजेंडे पर मुहर लगी, वित्त विभाग के दो एजेंडे पर मुहर लगी है। तो बजट सत्र 5 फरवरी से आगे बढ़ाया गया है सदन की कार्यवाही बुलाने के लिए, सीएम जो है वही अधिकृत है। तो पटना से बड़ी खबर, बजट सत्र की तारीख आगे बढ़ाने की सूचना आ रही है, संसदीय कार्य से दो एजेंडे पर मुहर लगी है और वही वित्त विभाग के दो एजेंडे पर मुहर लगी है। तो मीटिंग खत्म हो गई है, बैठक खत्म हो गई, नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म और चार एजेंडों पर मुहर लगने की खबर। एनडीए सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक संपन्न हो गई है और इस वक्त तस्वीर देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक संपन्न होने के बाद मुख्य सचिवालय से बाहर निकलते हुए उन्होंने अभिवादन भी किया, हाथ भी हिलाया और लगातार मुख्यमंत्री का काफिला जो है वो आगे बढ़ता हुआ। इसके बाद धीरे धीरे सारी गाड़ियां जो है वो निकलनी शुरू हुई हैं। तमाम जो मुख्यमंत्री मंत्री तमाम लोगों ने बैठक में शिरकत की है, क्या कुछ बैठक का एजेंडा रहा है, जो मंत्री हैं वो निकलेंगे थोड़ी देर में और उनसे निश्चित तौर पर हम जानने की कोशिश करेंगे। चूँकि भाजपा के दो उप मुख्यमंत्री और उनके मंत्री रहे हैं संतोष सुमन जो जीतन राम मांझी के पुत्र हैं, वो ग्रामीण कार्य विभाग की गाड़ी से यहाँ पहुँचे हैं और अब धीरे धीरे जो गाड़ियाँ हैं सीएम काफिले की वो निकल गई हैं यहाँ से। अब जो मंत्री हैं उनकी गाड़ियाँ यहाँ से पहुँचेंगी, उप मुख्यमंत्री की गाड़ियाँ पहुँचेंगी। आज का कोई एजेंडा नहीं, विधानसभा सत्र जो हम लोग का है अभी, हम लोग देखेंगे फिर से एक बार, हम लोग राज्यपाल महोदय से बात करके हम लोग फिर तय कर लेंगे। स्पीकर को तो स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए, जब सरकार बदल गई तो उनको स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी ये सब कुछ अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव आप लोग लाएंगे, कई लोगों ने लिख के भी दिया, तो क्या आपको लगता है कि नैतिकता का आधार छोड़ देना चाहिए? बहुमत है, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, जब सरकार में है ही नहीं तो फिर उनको छोड़ ही देना चाहिए। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कौन कौन से एजेंडे, महत्वपूर्ण एजेंडे आज की कैबिनेट की बैठक में रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना।
तो जेडीयू सांसदों के साथ सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात खत्म हो गई और सांसदों ने बताया कि उन्हें बैठक में कई निर्देश मिले हैं। सीएम नीतीश ने बिहार में 40 की 40 सीट कैसे जीतें इस पर तैयारी शुरू करने को कहा है और साथ ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विकास कार्य को जनता के बीच ले जाने का निर्देश दिया है। तो एनडीए के साथ आने के बाद नीतीश कुमार ने जेडीयू सांसदों के साथ अहम बैठक की और बैठक में जाने से पहले जेडीयू सांसदों ने कहा कि वो संसद सत्र में बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाएंगे। जेडीयू सांसदों ने उम्मीद जताई कि बिहार को उसका हक मिलेगा। को विशेष राज्य के दर्जा के लिए तो हम लोग कई बार पार्लियामेंट में उठाए, यहाँ से लेकर दिल्ली तक इसके लिए हम लोग धरना आंदोलन प्रदर्शन किए हैं और हमेशा हमारा मांग रहा है और आज भी मांग रहे हैं। अब आप लोग विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते रहे, अब इंडिया करेंगे, अब इंडिया की सरकार के साथ आ गए हैं तो आप लोग भी जब इंडिया के साथ करते थे आगे भी करते रहेंगे इस मांग को। आप लोग मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, विशेष राज्य के दर्जे की डिमांड आप लोग करते थे, अब तो बीजेपी के साथ वो तो करते ही रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी तो 13 ईस्वी से कर रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग शुभकामना देने जा रहे हैं, फिर बाद में मिलता हूँ आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो मतलब आप डिमांड आप लोग कर रहे हैं, आप लोग डिमांड रहेगा, ये हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं वो विशेष राज्य का दर्जा कायम रहेगा, ऐसा थोड़े ही कम नहीं मांग कर रहे हैं। हम लोग इंडिया गठबंधन में थे भी तो मांग कर रहे थे, हमारा पार्लियामेंट का देख लीजिए, एक बार नहीं तीन तीन चार चार बार मांग। और दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, राज्यसभा चुनाव के लिए शेड्यूल जारी किया गया है। बिहार की 6 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, 8 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा। बड़ी खबर इस वक्त की, राज्यसभा चुनाव के लिए शेड्यूल जारी, बिहार की 6 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होगा, 8 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा और 15 फरवरी तक नामांकन, वहीं 27 फरवरी को मतदान होगा। तो अप्रैल में खत्म हो रहा है बिहार के 6 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल, आरजेडी के सांसद मनोज झा, अशफाक करीम का कार्यकाल खत्म होगा, जेडीयू के अनिल प्रसाद हेगड़े और वशिष्ठ नारायण सिंह का कार्यकाल खत्म होगा, बीजेपी के सुशील कुमार मोदी और कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो कुल 6 सीटें हैं और अप्रैल में खत्म हो रहा है इनका कार्यकाल। तो जो अभी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई कि जो राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है और ऐसे में जो सूचना है उसके मुताबिक 6 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होगा, 8 फरवरी को नोटिफिकेशन, 15 फरवरी को नामांकन और 27 फरवरी को मतदान। और एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां तेजस्वी यादव की याचिका पर सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई चली और मानहानि केस को खत्म करने का संकेत, गुजरात में दर्ज केस को खत्म करने का संकेत दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में तेजस्वी से बेहतर हलफनामा दायर करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में तेजस्वी को यह लिखना है कि उन्हें गुजरातियों को ठग बताने वाले बयान पर खेद है और वो इसे वापस ले रहे हैं और इस हफ्ते बाद फिर सुनवाई होगी। और केसी त्यागी ने इंडी गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। केसी त्यागी ने कहा कि इंडी गठबंधन के दलों में आपसी समन्वय कायम नहीं हो पाया, बाहर से देखने में सब कुछ सामान्य था लेकिन कांग्रेस पार्टी घटक दलों से राजनीति करने में लगी थी, जेडीयू गठबंधन को मजबूत करने में लगी थी, कांग्रेस इसके बड़े पदों को हथियाने में लगी थी। केसी त्यागी ने कहा कि राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि क्षेत्रीय दलों की विचारधारा नहीं होती है, कायम नहीं हो पाया, बाहर से दिखने पे सब सामान्य था, कांग्रेस पार्टी घटक दलों के साथ राजनीति करने में लगी हुई थी, हम इसको मजबूत करने में लगे थे और वो इसके बड़े पदों को हथियाने में लगे हुए थे। यूं भी ये जो घटक दल हैं ये कांग्रेस पार्टी से लड़कर के ही अस्तित्व में आए हैं, लिहाजा कांग्रेस पार्टी इनको कमजोर भी करना चाहती थी और एक अवसर पर राहुल गांधी कह भी चुके थे कि क्षेत्रीय दलों की कोई विचारधारा नहीं होती। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार में अपराध पर अंकुश लगेगा, जो भी अपराधी होंगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार और गृह मंत्रालय का विभाग किसे मिले इस पर उन्होंने चुप्पी साध ली। सरकार की नीति है विकास को गति देना, जो आरजेडी के तांडव के कारण और उनके नेताओं के कारण जो आरजेडी को संरक्षण मिल रहा था, जिससे विधि व्यवस्था चौपट हो गई थी, उस विधि व्यवस्था को
चुस्त दुरुस्त करना, बिहार के विकास के लिए काम करना, बिहार के लोगों के हित और न्याय के लिए काम करना। मंत्रिमंडल विस्तार और आगे कब तक होने की उम्मीद है? और गृह विभाग को लेकर के भी कहा जा रहा था कि बीजेपी की ओर से डिमांड किया जा रहा है कि गृह विभाग मिले। मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी होगा। और बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी बिहार के विकास के लिए चिंतित हैं, बिहार के विकास के बिना देश विकसित नहीं हो सकता है। बिहार के प्रति हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े ही मतलब इसके डेवलपमेंट के लिए चिंतित रहते हैं, इसके विकास के लिए, क्योंकि बिहार भारत के सांस्कृतिक विरासत का हृदय स्थली है और ये डेवलप करता है तो पूरा देश डेवलप करता। कई बार कह चुके कि बिहार के बिना विकसित हुए भारत विकसित नहीं हो सकता। 30 जनवरी को पूर्णिया में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा होनी है और इसे लेकर पूरा पूर्णिया बैनर और पोस्टर से फटा है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नीरज कुमार और छोटू सिंह ने कहा कि राहुल गांधी सुबह 10 बजे अररिया से पूर्णिया आएंगे, जहां वे सबसे पहले गुलाब बाग 0 माइल के पास किसानों से मिलेंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कल पूर्णिया पहुंच रहे हैं और इसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर झंडा बैनर और ये सब बन रहा है और सब जगह झंडा बैनर लगाया जा रहा है, पूरे शहर में बैनर लगाया गया है, रंगभूमि मैदान में बड़ा सा मंच बना है। हमारे साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं नीरज कुमार उर्फ छोटू सिंह, आइए इनसे बात करते हैं। राहुल गांधी कल आ रहे हैं यहाँ पे, किस तरह की तैयारी? हमारे नेता जो राहुल गांधी जी आ रहे हैं बिहार के दौरा में, पूर्णिया में, पूर्णिया के सीमा से लोगों का राहुल जी के प्रति जो प्यार मिल रहा है, हमको लग रहा है कि ऐसा ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा जो लोगों का हुजूम नेता को देखने और सुनने के लिए काफी मात्रा में लोग आ रहे हैं और पूर्णिया रंगभूमि मैदान पूरा पटा रहेगा, शहर पूरा जम के भीड़ से अफराद भीड़ होने की संभावना। कितने बजे पहुंचेंगे हमारे नेता राहुल जी? 10 बजे पूर्णिया बॉर्डर पर आ जाएंगे और 12 बजे प्रोग्राम रंगभूमि मैदान में चालू हो जाएगा। पहले किसानों से भी मिलने की, किसान से 0 माइल से पहले पॉइंट दिया गया है, जो किसान का जो मूल रूप से जो समस्या है, मखान का दाम हो कि मखाना का हो या मकई हो या धान की, जो फसल को उचित मुआवजा नहीं मिलता है, किसानों को जो ठगने का काम कर रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनको यह सब समस्याओं से अवगत हमारे नेता होंगे। कौन कौन बड़े नेता आ रहे हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और बड़ी सभी लोग आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी लोग भी आ रहे हैं, केसु वेणुगोपाल जी हैं, प्रदेश के हमारे अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में सब लोग बिहार में चल रहे हैं। इंडिया गठबंधन से कौन कौन? इंडिया गठबंधन के हमारे सीपीएम माले, सीपीआई के सभी वरिष्ठ लोग, सेंट्रल के लोग, सब लोग हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं। राजद के भी लोग यहाँ पूरा तन मन से लगे हुए हैं, राजद के भी सारे लोग लालू जी के आह्वान पर हम लोग के प्रोग्राम में भिड़े हुए हैं। तो राहुल गांधी कल पूर्णिया पहुंच रहे हैं और उनकी रंगभूमि मैदान में उनकी न्याय यात्रा होगी। कांग्रेस का कहना है कि इसमें अपार भीड़ होगी और इसको लेकर तैयारी पूरी है। राहुल गांधी किसानों से भी मिलेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे, इसके अलावा रंगभूमि मैदान में बड़ा सा जनसभा को संबोधित करेंगे। कुमार प्रवीण, न्यूज 18, पूर्णिया। और आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।